नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक नंबर 25, 26 और 27 पर चर्चा करेंगे। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षितां उवाच पार्थ पसीतान समवेतान कुरुनीति। इस श्लोक का अर्थ है, भीष्म द्रोण और अन्य राजाओं के सामने खड़े होकर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन देखो, ये सभी कौरवों के पक्ष में खड़े योद्धा हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध की वास्तविकता से अवगत कराते हैं। इस श्लोक से हमें यह सीख भी मिलती है कि हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। तत्न पश्यत सतीतान पारिताम पितृन्यथा पितामहान आचार्यन मतुलन भ्रातृन पोत्रन सखीस तथा सवासुरन सुहर्दाश्चैव सेनाभ्योरभ्योरपि। इस श्लोक में अर्जुन की मनोस्थिति का वर्णन किया गया है। जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े हुए अपने पितरों पितामहों आचार्यों मामा भाइयों पुत्रों पोत्रों सखाओं ससुरों और मित्रों को देखा तो वह भावनाओं से भर गए। वह सोचने लगता है कि क्या अपने ही सगे संबंधियों के विरुद्ध युद्ध करना उचित है। तान समीक्षा से कांतेह सर्वान बंधुन अवस्थितान कृप्य पर्याविष्टो विशिदानी दम अपरवीत। इस श्लोक में अर्जुन की भावना को दिखाया गया है। जब अर्जुन अपने बंधुओं रिश्तेदारों और मित्रों को युद्ध के लिए तैयार देखता है, वह नज़ारा अर्जुन के मन में करुणा और दुख को भर देता है। यह सब देखकर अर्जुन का मन विचलित हो जाता है और वह अपने कर्तव्य और धर्म को लेकर संदेह में पड़ जाता है। हमारे साथ भगवद गीता की इस खोज में जुड़ने के लिए धन्यवाद।